मुझे शायरी तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत जो आता है, क्या सांस को आंच नहीं वाली जो बात है, ये हम लोगों ने इनको दिखा दिया। जगभग बीपीएल परिवार के बच्चों को बीडीओ सीओ कलेक्टर बनाया हमने, मालूम है भानुजी बैठे 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 भानुजी बैठे आज भी अखबार बैठे भानुजी बैठे मालूम है बैठे भानुजी बैठे बैठे और अध्यक्ष महोदय बैठे हो गया बैठे भानुजी महोदय भानुजी बैठे बैठे जो किताब लेकर आए वो किताब तो पढ़े नहीं, फिर दूसरा किताब पढ़ने लगे, आप उपन्यास पढ़ने लगे, पाठ्यक्रम का किताब पढ़िए, पाठ्यक्रम का तो उपन्यास पढ़ने लगे। मैं चाहूंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे, पाठ्यक्रम छोड़कर को उपन्यास पढ़ रहा है, किस तरीके से इनके षड्यंत्र का जवाब कोर्ट के माध्यम से इनके सहयोगियों को वो तमाचे लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आज संवैधानिक गैर कानूनी कार्य करते हैं अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं में बैठकर अध्यक्ष महोदय आज इनके पास ना नेता है ना मुद्दे हैं। अध्यक्ष महोदय नेता विहीन दल का क्या हाल हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आदरणीय बाबूलाल जी गला फाड़ फाड़ कर घूम रहे, लेकिन इनको पता नहीं कि ये वो समूह नहीं है जो आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की हितों करे की रक्षा करे। अध्यक्ष महोदय मधुकोड़ा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुंडा जी को बर्बाद कर दिया, और बचे कुचे ही है, इनका भी अब आखिरी लड़ाई चल रहा है। अध्यक्ष महोदय जब एक आदिवासी नौजवान यहाँ खूंटा गाड़ के खड़ा है, अध्यक्ष महोदय तो इनकी जो घबराहट है ये आज की नहीं है। अध्यक्ष महोदय ये इतिहास काल से आ रहा है, और ऐसे सामंती विचार वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग अब तैयार है। अध्यक्ष महोदय अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, अब इसको गांव में लोग घुसने भी नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय 32 के जगह 85 बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय बाहर सबसे अधिक महोदय पिछड़े वर्ग को रहन करिए, पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बिल पास हो रहा है, बैठिए सहयोग करिए। महोदय यहाँ के कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया। अध्यक्ष महोदय यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया। अध्यक्ष महोदय चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, चाहे वो रेगुलर रिक्रूट हुए पदाधिकारी हो। अध्यक्ष महोदय आज इसी सरकार ने देश का इतिहास बनाते हुए पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय और जब अध्यक्ष महोदय ये तो हम लोगों ने हर एक निर्णय इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित किया। अध्यक्ष महोदय आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, भानु जी बैठिए, कोई साथ नहीं दे रहा है, बैठिए बैठिए। और यही सामग्री के लोग नौजवान बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ एक माननीय विधायक विदेश से भी पढ़ के आए हैं, और आदिवासी दलित पिछड़ों का चंद नेताओं को सामने रख करके इनको लगता है कि हम पूरे आदिवासी दलित पिछड़ों का हितैषी बन गए। 5-स्टार होटल में खाना बना के लेके जाते हैं और दलित के घर में जाके बैठ के खाते हैं, बड़ा दुर्भाग्य। अध्यक्ष महोदय और आज तो स्थिति ये आ गई। अध्यक्ष महोदय एजेंसी छोड़ दीजिए, नीति सिद्धांत छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय आज तो स्थिति ये है कि इनके मुखिया देश के प्रधानमंत्री जी फोन करके धमकी भी देने लग गए। क्या स्थिति हो गया अध्यक्ष महोदय देश में, रेपिस्ट को माला पहना करके जेल से छुड़वा देते हैं। अध्यक्ष महोदय दूसरे राज्यों में जो रेप करने वाले लोग हैं उस पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहता है। अध्यक्ष महोदय और यहाँ की अंकिता बच्ची की एक
घटना होती है तो उस पर हवाई जहाज से उड़ के आते हैं अध्यक्ष महोदय, और वहां पर दूसरे राज्यों में इनकी हत्या कराते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या बात करेंगे, हत्यारे लुटेरे और ये मॉब लिंचिंग करने वाले लोग को ये माला पहनते हैं। क्या सामाजिक समरसता ये बनाएंगे देश में? अध्यक्ष महोदय, आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अध्यक्ष महोदय वर्तमान सरकार इस राज्य के बहुसंख्यक जो यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े हैं इनको इतना जो मजबूत करेगी कि ऐसे सामंती विचार वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी अध्यक्ष महोदय आने वाले समय में। अध्यक्ष महोदय, हाँ ईश्वर तो आपके जेब में है, ईश्वर इनके जेब में रहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये लोग राम, ये लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के नाम पर लड़वा कर वोट मांगते हैं, हम लोग सबका पेट भर करके और उनको स्वरोजगार दे करके उनको पैरों में खड़ा करके वोट मांगेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश जान चुका है इनके षड्यंत्र को अध्यक्ष महोदय, इनके बड़े बड़े व्यापारी देश लूट करके विदेश जाकर के सेटल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और यहाँ किसान बेचारा 5,000 रुपया अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको जेल में डाल देने का काम करते, बड़ा दुर्भाग्य। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सीएनटी एसपीटी स्थानीयता 1932 का जो विषय रहा है, और अध्यक्ष महोदय इस सदन को इस राज्य को गर्व है, आज आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज मिला, आज उसके सुपुत्र के नेतृत्व में 1932 का खतियान इस राज को दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और ओबीसीओं का जो वास्तविक वाजिब हक है 27% का आरक्षण पुनः बहाल करने का ये कानून पारित कर रही है अध्यक्ष महोदय। ये अध्यक्ष महोदय साधारण दिन नहीं है और संयोग है अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख का पिछला साल 11 नवंबर को हम लोगों ने सरना कोड पारित किया था अध्यक्ष महोदय, और आज वही शुभ घड़ी अध्यक्ष महोदय 11 नवंबर जहां 1932 और ओबीसी के लिए अधिकार दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, और तो और सुन लीजिए, आज का शुभ दिन कैसा है अध्यक्ष महोदय कि 11/11/1908 में ही सीएनटी भी लागू हुआ था अध्यक्ष महोदय। आज का दिन संयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत ही शुभ और इस राज के लिए एक ऐसा दिन के रूप में इसको जाना जाएगा अध्यक्ष महोदय जो इस राज के लिए किसी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन देखिए अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए, चिंता मत कीजिए भानु जी, दूसरे पार्टी में रह करके यही भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गाली देते थे, आप गोद में जाकर के बैठ गए और कितना बचेगा, अरे घुटना टेकना आप लोग जानते हैं, आदिवासियों में ना डरना ना घुटना टेकना हमारे डीएनए में नहीं है, ये आप लोगों में है। हम लोग इस राज के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करते। भानु जी इनके पास हो गया इनके हो गया बच्चे ना बच्चे रिश्तेदार बन गए हैं अध्यक्ष महोदय, ये एजेंसियां इनके लिए रिश्तेदार है, इनके रिश्तेदार जब इनके लोगों को पकड़ती है लाखों करोड़ों रुपए के साथ तो उनको बाइज्जत घर छोड़ के आती है, और जिसके यहाँ एक चावल का दाना नहीं मिलता है उसको जेल में ठूस दो। ये है वो एक कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं आया, वो एक गाना है
कहा गए राम सिया। हाँ अध्यक्ष महोदय वो गाना क्या था, ऐसा कलियुग आएगा हंस चुगेगा दाना, कौआ चुगेगा कौआ मोती खाएगा, वही हाल है इनका अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय आप राजनीतिक तौर पर इनके अब ये हाथी पर जाने का अब काउंट डाउन शुरू हो गया अध्यक्ष महोदय। अब ईडी वीडी सीबीआई यूबीआई जेल वेल का जरूरत झारखंड सत्ता पक्ष के लोगों को इससे डराने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग जेल में भी रह करके आपका सुपड़ा साफ कर देंगे, चिंता मत। धन्यवाद, जोहार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।